दोस्तों, जब हम सिहोनिया के ककनमठ मंदिर से निकले तो वहाँ से निकलकर हम पहले इटावा की तरफ गए और इटावा में हमने नाइट स्टे किया और नाइट स्टे करने के बाद वहाँ से सुबह सुबह जल्दी निकल पड़े। तो ये देखिए, हम लोग दोस्तों पहुँच चुके हैं प्राचीन ब्रिक्स मंदिर, जो कि कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र में भीतर गाँव नाम के गाँव में है। तो ये देखिए सामने ईंटों का बना हुआ मंदिर बहुत ही शानदार दिख रहा है। अंदर की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे आपको भी यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। शायद यूपी में इतने अच्छे एंशंट ब्रिक्स मंदिर है, या फिर कहा जाए तो एक ऐसी जो संरचना है जिसके बारे में हमें लोग को पता ही नहीं है। तो ये देखिए कितना शानदार और कितना खूबसूरत बना हुआ है, और ये पूरी तरह ब्रिक्स यानी ईंटों से बना हुआ मंदिर है। और मेरे ख्याल से समय समय पर इसको आर्कियोलॉजिकल साइट के जो लोग हैं वो इसको बराबर से इसका संरक्षण करते हैं। कि देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन और कितने खूबसूरत नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये जो कानपुर का भीतर गांव का जो मंदिर है, ये भारत के पुराने मंदिरों में काफ़ी पुराना मंदिर है और इसका निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी में हुआ था। दोस्तों, यह मंदिर नागर शैली में बनाया हुआ मंदिर है, जो देखने में काफी सुंदर है। वैदिक काल के दौरान मंदिर वास्तुकला के अस्तित्व का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, इस मंदिर की दीवारों पर शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु आदि देवी देवताओं के मूर्तियां से सजाई गई है। इस मंदिर के पीछे वराह अवतार की मूर्ति की वजह से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह मंदिर शायद विष्णु मंदिर है। ईट मंदिर को देखने के बाद हमें यहाँ पता चला कि यहीं से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक जगन्नाथ मंदिर है, जो कि काफी पुराना है और इसे यहाँ पर लोग मौसम मंदिर भी बोलते हैं। तो चलते हैं मौसम मंदिर की तरफ और दिखाते हैं वहाँ के खूबसूरत नज़ारे और दर्शन भी करते हैं। दोस्तों, अगर आप कानपुर आते हैं तो भीतर गांव जरूर आइए और यहां आने के बाद ये मंदिर का विजिट करें और यहां पर दर्शन वगैरह करें, क्योंकि यह मंदिर बहुत ही पुराना और हमारी विरासत है। यहां तक कि यहां के लोकल लोगों ने बताया कि यह मंदिर 4200 साल पुराना है। एक बार यहां जाना जरूर बनता है। मौसम मंदिर के पास पहुंचने के बाद यहां पर आर्कियोलॉजिकल साइट ने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हुआ है। ये देखिए मंदिर की दीवारें, मुझे लगता है कि कम से कम 10 या 15 फीट से चौड़ी दीवारें होंगी। और ये टाइप के मंदिर तो उड़ीसा की तरफ देखा है मैंने, और ये मंदिर यूपी में है, बोल नहीं सकता इसके बारे में। मौसम मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर जो है बरसात जो होने वाली है उसके बारे में पहले ही बता देता है, जो इसके छत पर उस हिसाब से मंदिर के अंदर बुलबुले बनते हैं। अगर बुलबुले छोटे हुए तो बारिश कम होगी और बड़े हुए तो ज़्यादा होंगी। ये यहाँ के अंदर एक पुजारी थे, उन्होंने हमें बताया, उनसे भी काफ़ी बातचीत हुई। देखिए फ्रेंड, ये मंदिर 1000 से 1200 साल पुराना है और इसकी क्या कंडीशन है, कोई इसकी देख रेख नहीं है, यूपी गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती है, एकदम जर्जर अवस्था में। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है,
हम यहाँ पहुँचे तो कुछ श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए थे। सामने मूर्ति देखिए, साक्षात नारायण वहाँ बैठे हुए हैं। ये हैं पंडित जी, इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। हाँ तो महाराज जी बताइए मंदिर के बारे में और इस मूर्ति के बारे में। देखेंगे ये जो वर्गाकार पत्थर है, हाँ। सभी पत्थर आयताकार में, एक ही पत्थर वर्गाकार है स्क्वायर में। ये जो स्क्वायर में पत्थर है, ये जैसे ही मानसून बनता है ये पत्थर पसीज के टपकने लगता है। इसे मालूम हो जाता है कि मानसून बन गया, बरसात आने वाला। अच्छा, इतना सही है। इसमें जो है अभी बूंदे आ रही है, टार्च नहीं है, टाल अगर पूरा किनारे आपको बूंदे दिखाई देंगी। ऐसे ही पुराने पुराने मंदिरों के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।